हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी डीवीडी प्लेयर में साउंड नहीं आती, केवल पिक्चर आती है, तो इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से किस तरीके से ठीक किया जाए। देखिए फ्रेंड, डीवीडी प्लेयर को हमने ओपन कर लिया है और अब हम इसकी साउंड प्लेट को चेक करेंगे। साउंड प्लेट को चेक करने में सबसे पहले हम इसकी आईसीज को चेक करेंगे। जो साउंड आईसीज इसके अंदर दो लगी हुई हैं, इनका नंबर है 6283-6283 की दो साउंड आईसीज लगी हुई हैं। सबसे पहले हम इन दोनों आईसीज को चेक करेंगे। चलिए फ्रेंड, आईसी को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए और देखिए पहली पिन पर, पहली नहीं 12वीं पिन है ये, इस पर वोल्टेज आ रही है और 11वीं, 10वीं, 9वीं जितनी भी पिन है उसके बाद इन सभी पिन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, जो यह दर्शाता है कि ये वाली आईसी हमारी ख़राब है। इसी तरह दूसरी आईसी की 12वीं पिन पर वोल्टेज है और उसके आगे की जितनी पिन है उन पर उतनी वोल्टेज नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो ये देखिए, इससे हमें यह पता चला कि इसकी ये दोनों आईसी ख़राब हो चुकी हैं। अब मैं इन आईसी को चेंज करूंगा और चेंज करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि इसकी इन वाली आईसी में और दूसरी जो नई आईसी लगेंगी उनमें रीडिंग में कितना फ़र्क आएगा।